हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे फ्री कुंडली के वीडियो में निकिता जैन जी का हमने ये लिया है, सिलेक्शन लिया है। 2 महीने हो गए इनका कमेंट आकर, तो आज इनका नंबर लगा है। पेड अपॉइंटमेंट जिनको चाहिए उनका तुरंत नंबर आ जाता है, और जिनको फ्री दिखाना है उन्हें कमेंट करना होता है। फिर जैसे रेंडमली नंबर आता है, भले 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम लगता है, हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं निकिता जैन जी की कुंडली के बारे में। इनके क्वेश्चन हैं मैरिज, स्पाउस का ऑक्यूपेशन, मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी, मनी। चलिए देखते हैं निकिता जैन जी आपके चार्ट में कैसे योग हैं। मैरिज का अगर आप बोलें तो देखिए, आपका जो 7th लॉर्ड है, जो मैरिज का जो लॉर्ड है, वो 12th हाउस में मंगल के घर में बैठा है, शत्रु क्षेत्री बैठा है। और जब कोई शत्रु क्षेत्री ग्रह बैठता है किसी भी भाव का मालिक, तो उस भाव के सुख में कमी लाता है, विलंब लाता है, डीले लाता है। ऑलरेडी आपका काफ़ी लेट हो चुका है मैरिज में, लेकिन भाग्य का मालिक उसके साथ है। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड 12th हाउस में साथ में बैठे हैं, तो ये आपको फॉरेन से सेटलमेंट का योग तो दे ही रहा है। आपने जो बोला कि मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट का आपका एक जो क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हाँ, मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट के काफ़ी अच्छे योग हैं। और चौथे घर में मंगल भी उस चीज़ को मदद कर रहा है। 4th हाउस में क्रूर ग्रह जब आता है, तब आपको और ज़्यादा फॉरेन जाने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए आपको वो मददकारक होता है। तो ये योग है। और शादी के बाद आपका भाग्योदय बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक 7th लॉर्ड के साथ 12वें घर में गया है। लेकिन आपका माइंड बहुत विवर होगा, आपका जो मैरिज का योग का आपका जो सवाल है, देखिए पहले बुध 12वें घर में है, तो ये आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऑलरेडी कई अच्छे रिश्ते आप ज़्यादा चूज़ी होने की वजह से, या फिर ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपने सोचा होगा कि और ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए या बेटर लुक्स होने चाहिए, तो मुझे लगता है आपको मीटिंग करके कोई भी एक अच्छा इंसान दिखना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो प्रॉपर जिनकी जॉब हो, प्रॉपर अर्न करते हो और आपको खुश रख सके। बहुत ज़्यादा चूज़ी होने में ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है आपके मैरिज में, और ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि ये बुध जो 12वें घर में होता है, ये इंसान को बहुत कन्फ्यूज़ बनाता है। इंसान सही डिसीजन नहीं ले सकता, और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, और इसके बाद और 2-3 साल और निकल गए, तो फिर सारे योग भी कमज़ोर होते जाएंगे, और वैसे भी फिर अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकल जाएंगे। देखिए अब आपकी जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, 4, 5, 6, 7, देखिए इस वक्त आपके गोचर में सप्तम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है। इस साल आपकी सिंह राशि है, तो इस साल आपको एंड तक, ईयर एंड तक आपको वैसे भी 7वां जो गुरु है, ये काफ़ी स्ट्रांगली मैरिज का योग बना रहा है। आपको ज़रूर करना चाहिए इसी साल, आपको कोई भी अच्छा पात्र देख के, थोड़ी कुंडली मिलाकर, मैच मेकिंग करा कर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको मैरिज कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट अब नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से मंगल शुक्र की पोजीशन है, किसी के प्रति आपको कुछ अट्रैक्शन हो, लागनी हो, तो उनसे भी आपको बात करके क्लियर करना चाहिए। और या तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं पॉसिबल हो रही है, तो आपको आगे बढ़कर अरेंज मैरिज की तरफ भी, जो आपका जो रुझान है अभी, जो आप देख रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं होकर, अच्छा एक इंसान ऐसा देख कर कि जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, जिनका और आपका स्वभाव मिल रहा है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपकी मानसिक अशांति भी यहाँ पे काफ़ी दिख रही है, मेंटल स्ट्रेस से भी आप गुजर रहे हो। चंद्र केतु का ग्रहण योग मानसिक अशांति भी दिखा रहा है, और जो चंद्र है वो अष्टमेश भी है, तो यहाँ पे ससुराल के सुख में भी वो विलंब करवा रहा है ग्रहण योग केतु के कारण। तो इस तरीके से आपको मैरिज योग में इस तरीके से डिले बता रहा है, लेकिन इस साल योग बन रहा है। इस साल आपको किसी भी तरीके से जो गलतियाँ पहले की है कन्फ्यूजिंग माइंड में, पहले काफ़ी अच्छे रिश्ते आके जा चुके हैं, ये कुंडली दिखा रही है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है अब। नहीं तो मंगल की और शनि की 7वें भाव पर दोनों की दृष्टि है, और 7वें घर का मालिक 12वें घर में है, तो ये चीज़ फिर आपके हिसाब से फिर मैरिज नहीं हो पाएगा। अब आपका दूसरा सवाल है स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या होगा, जॉब होगा, बिजनेस होगा। देखिए आपका जो जीवन साथी का जो मालिक है वो है बुध, और वो बैठा है सूर्य के साथ, और वो भाग्य के मालिक हैं। तो स्पाउस का देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, और जो सप्तम भाव है उससे वो 6ठे भाव में बैठा है बुध, और उससे अपने 3रे भाव के स्वामी के साथ बैठा है 7वें घर का मालिक। तो स्पाउस किसी भी आपका जो जीवन साथी है, या तो कोई भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड उनका कुछ बिजनेस हो सकता है, चाहे एक फार्मेसी का स्टोर हो, चाहे वो किसी तरह का छोटे मोटे किसी भी तरह के अलग अलग प्रकार के डॉक्टरी में भी, किसी लाइन, बहुत सारी डॉक्टरी में बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से डॉक्टरी लाइन में भी वो जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के जॉब करते हुए भी वो ही हो सकते हैं, या तो कोई भी अच्छी जॉब से रिलेटेड भी वो काम कर रहे हो सकते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर भी हो, जॉब से रिलेटेड होना उनका ज़्यादा योग यहाँ पे कुंडली के हिसाब से बता रहा है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी, तो देखिए प्रॉपर्टी का अगर आप देखेंगे तो आपका जो चतुर्थेश गुरु है वो 6ठे भाव में है, और जो धनेश है शनि वो लग्न में है, तो देखिए फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी होगी, शनि धनेश लग्न में बैठा है, और शुक्र जो है वो 11वें घर में पुष्कर योग बना रहा है। आप खुद
कुछ जॉब करके या कुछ भी ब्यूटी पार्लर या कुछ भी लेडीज़ आइटम्स का बिजनेस करके आप बहुत अच्छा पैसा खुद भी कमा सकते हैं। और आपको प्रॉपर्टी का योग थोड़ा सा यहाँ पे वीक बन रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी का योग है यहाँ पर, खुद के घर का योग है, वाहन का योग है और अच्छी इनकम का भी योग है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो एक अच्छी लाइफ है, फाइनेंशियली भी एक अच्छा, एक स्टेबल बोल सकते हैं हम, एक स्टेबल सिचुएशन बनेगी, अच्छी बनेगी, मकान होगा, गाड़ी होगी, अच्छी इनकम होगी, जो एक हैप्पी रहने के लिए काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। तो ओवरऑल में आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन ये साल आप जाने मत दीजिए किसी भी हाल में, और वेनसडे का फास्टिंग चालू कर दीजिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। इससे आपको आपकी जो भी जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और इसी साल आपको टारगेट रखना है कोई अच्छा पात्र देख के कुंडली मिलाकर शादी कर लेना है। चलिए धन्यवाद, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग लेके आते रहेंगे हमारे चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और फ्री जिनको कुंडली दिखानी है कमेंट में आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे रैंडमली नंबर आता है लेते हैं। और जिन्हें पेड अपॉइंटमेंट दिखाना है वो लोग हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर फ़ीस होती है। चलिए धन्यवाद।